Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aaj hum log 10th class ki physics chapter number 14 current electricity ka jo next topic hai 14.14 safe use of electricity in homes usko study karenge. Jis tarah se hum logon ne baat ki ke jo hamari electricity hai wo hamari daily life ke mein jo hamari daily life ka ek part ban chuki hai kyunki hamari bahut se jo appliances and devices wagaira hai wo tab working karti hai jab electricity ke through hi jo hai wo working karti hai. Jis tarah se mobiles refrigerator ac wagaira oven wagaira iron kuch bhi aap dekh le तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो वो वर्क करती हैं. ठीक है, तो इसके जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में वहाँ पे जो है वो इसके कुछ डैमेजेस भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं. जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जब हम लोग इन कॉन्टैक्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी या हम लोग किसी तरह से भी किसी ऐसी चीज़ को टच कर लेते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही, तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में से भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है और हमारी बॉडी को डैमेज करती है, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है. पास का तो ऐसा होता है कि डेथ भी जो है वो कॉज होती है. ठीक है, और अगर हम लोग अपनी डिवाइसेस की बात करें तो क्या होता है कि डिवाइसेस में भी जो एक स्पेसिफिक अमाउंट में से अगर करंट पास आउट होता रहे तो वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करती है, और अगर वो उस एसेस अमाउंट से करंट ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है कि जो हमारी डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वो यूज़ नहीं की जा सकती, ख़राब हो जाती. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए तो हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस पाले. अब हम लोग अगर अपने डिवाइसेस की बात करते हैं या अपनी प्रॉपर्टी की बात करते हैं या सर्किट की बात करते हैं कि इनको किस तरह से बचाया जा सकता है, कि तो उसके लिए हम लोग कुछ सेफ्टी मेजर्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स है जो कि हम लोग यूज़ करें या क्या ऐसी प्रिकॉशंस है जो अगर हम लोग अडॉप्ट कर लें तो क्या होगा कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान से जो है वो बच सकते हैं. तो सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा है एक फ्यूज़ है. ठीक है, फ्यूज़ आ जाता है, फिर सेकेंड में हमारा आ जाता है सर्कल ब्रेकर. ठीक है, और जो हमारी लास्ट में है वो हमारा है अर्थ वायर. तो आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूज़ को. ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट को जो है वो स्टडी करेंगे वो है हमारा फ्यूज़. फ्यूज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि ये हमारा मीटर होता है जो कि डायरेक्ट हमारे ट्रांसफार्मर के साथ जो है वो अटैच हुआ, तो यहाँ पे रीडिंग वगैरह जो है वो आ रही होती है. यहाँ से क्या होता है कि मीटर को हम लोगों ने जो वो आगे अटैच किया होता है अपने वो मेन बोर्ड के साथ. ठीक है, ये हमारा मेन बोर्ड होता है घरों का. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्विच वगैरह होते हैं और यहाँ पे लाइट भी होती है जो कि शो कर रही होती है कि करंट जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर लाइट ऑन है तो इट मीन्स करे करंट पास आउट हो रहा है, करंट आ रहा है हमारे मीटर में से और पास आउट हो रहा है. सामने जो है वो हम लोगों ने क्या किया होता है कि ये जो हमारी तीन वायर्स होती है, एक हमारी होती है लाइव वायर. ठीक है, लाइव वायर, और सेकेंड जो है वो हमारी होती है न्यूट्रल. ठीक है, और लास्ट वन जो है वो हमारी होती है अर्थ वायर, या आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड वायर होती. ठीक है, जो हमारी लाइव वायर होती है इसको हम लोगों ने जो है वो आगे जो है वो फ्यूज़ के साथ अटैच किया होता है. ठीक है, जिस तरह से हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको जो वो यहाँ पे ये हमारी लाइव वायर, इसको ये हम लोगों ने यहाँ पे किसी फ्यूज़ के साथ अटैच किया होता है, और उस फ्यूज़ के बाद जो है वो आगे जो है वो हमारी वायर जो है वो आगे हमारे अप्लाइंसिस के साथ जो है वो अटैच होती है. वो अप्लाइंस कोई भी हो सकती है, एसी वगैरह कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी और न्यूट्रल वायर के साथ हम लोग फ्यूज़ नहीं यूज़ करते क्योंकि इसमें से करंट पास आउट नहीं होता, ज़ीरो वोल्टेज होता है. अर्थ वायर क्योंकि अर्थ की होती है, ग्राउंड की होती है, इसलिए इसके लिए भी फ्यूज़ यूज़ नहीं किया जाता.
अब लाइव वाई के साथ हम लोग फ्यूज़ जो है वो क्यों यूज़ करते, इसका क्या पर्पस है? इसका ये कि जो हमारे फ्यूज़ हैं, अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो उनकी डिफरेंट किस्म की फिगर्स और अमाउंट्स बताई हुई है, मींस रेंज जो बताई हुई है बुक में, जो हमें रेंज इन्होंने बताई हुई है वो हमारे बताई है, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर और इसी तरह 30 एम्पियर। ठीक है, इट मींस कि अगर इस फॉर एग्जांपल अगर जो हम लोग फ्यूज़ यूज़ करें, ये वाला फ्यूज़, इसकी जो हम लोग 30 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करें, इट मींस कि इसमें से 30 एम्पियर का करंट जो है वो पास आउट हो सकता है। अगर इसमें से करंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, 30 से एक्सीड कर जाए, मीन्स 31 आ जाए या 32 एम्पियर का करंट आ जाए, तो क्या होगा कि ये जो हमारे फ्यूज़ होते हैं इनकी जो अंदर मेटल प्लेट्स यूज़ की होती है वो क्या होती है, वो मेल्ट हो जाती। ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है, जैसे ही वो मेल्ट होंगी तो ये हमारा जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ की प्लेट मेल्ट हो जाएगी, तो इस तरह हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इट मीन्स कि अब यहाँ में यहाँ से करंट पास आउट जो है वो नहीं हो रहा। अगर यहाँ से करंट पास आउट नहीं हो रहा तो आगे जो हम लोग अप्लाइंसिस यूज़ कर रहे हैं या जो भी डिवाइस, फ़ैन, एसी वगैरह कुछ भी हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, उस तक करंट नहीं पहुँच पाएगा, तो वो हमारी जो डिवाइस है वो बच जाएगी, उससे किसी भी किस्म का कोई हैज़ा जो है वो कॉज नहीं होगा या कोई डैमेज नहीं होगी, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से फायर वगैरह, स्पार्क वगैरह जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, या आगे की अप्लाइंस जो है वो हमारी बच जाएगी, उससे कोई भी डैमेज जो है वो नहीं होगा। तो फ्यूज़ बेसिकली वो क्या करता है, फ्यूज़ जो है वो एक एक रेंज के अंदर अंदर करंट को जो है वो पास आउट होने देता है अपने अंदर से। जैसे आप उस रेंज को एक्सीड कर देते हो तो क्या होता है, फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, या उसके अंदर जो हम लोग मेटल प्लेट यूज़ कर रहे होते हैं वो मेल्ट हो जाती है और वो जो है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही फ्यूज़ वर्किंग छोड़ देता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स कि इसके अंदर से करंट जो है वो पास आउट नहीं हो रहा। तो फ्यूज़ को आप हम लोग किस तरह से सर्किट में जो वो यूज़ कर सकते हैं, पहला ये कि इसकी जो है वो एक रेंज होती है, रेंज के स्पेसिफिक रेंज का फ्यूज़ जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल सॉरी, अगर आप लोग वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फ्यूज़ होगा हो सकता है उसकी जो रेंज है उसकी 10 एम्पियर रेंज हो या 5 एम्पियर रेंज हो, इट मींस कि इसमें से जो है वो 10 एम्पियर का करंट जो है वो पास आउट हो सकेगा, 9 एम्पियर, 7, 8 का करंट जो है वो पास आउट हो जाएगा, मैक्सिमम 10 का होगा। जैसे ही अगर बाई चांस या किसी वजह से करंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, करंट की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, करंट जो है वो 10 एम्पियर से एक्सीड कर जाता है, 11 एम्पियर या 12 हो जाता है, तो क्या होगा कि अब करंट जो है हमारा जो फ्यूज़ है वो ब्रेक हो जाए, फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, करंट आगे पास आउट नहीं होगा, जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो डैमेज नहीं होगी, वो बच जाएगी। क्योंकि अगर इसमें से इसकी भी रेंज होती है मशीन की, अगर उस रेंज से ज़्यादा इसमें से करंट पास आउट हो जाए तो ये जो है वो ख़राब हो जाती, डैमेज हो जाती। तो हम लोग को क्या किया कि हम लोग फ्यूज़ की वजह से हम लोगों ने अपनी मशीन को जो है वो बचा लिया, इसलिए जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट रेंज के फ्यूज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम लोग जो है वो उस चीज़ को बचा सकें। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारा ये कि जब हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको चेंज करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मेन हमारी सप्लाई है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हमारी जो मेन सप्लाई है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। जब हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं मेन सप्लाई को, तो उसके बाद जो है वो हम लोग को जो है फ्यूज़ को चेंज करते हैं। फ्यूज़ चेंज करने से मुराद जो हमारा फ्यूज़ ख़राब है उसको हम लोग उतार लेते हैं और उसकी जगह पे नया फ्यूज़ जो है वो हम लोग अटैच कर देते, लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो मेन स्विच को ऑन करते हैं और दोबारा से जो है वो करंट जो है वो पास आउट होना शुरू हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मेन स्विच को ऑफ किए बगैर आप फ्यूज़ उतारें और नया फ्यूज़ लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आग भी लग सकती है, सर्किट ब्रेक भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी सारी वायरिंग जो है वो डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना, हमेशा स्विच मेन स्विच को स्विच ऑफ करना, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने फ्यूज़ को जो है वो चेंज करना। ठीक है,
जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो फ्यूज़ होता है उसको हमेशा हम लोग जो है वो कनेक्ट करते हैं लाइव वायर के साथ, ठीक है, विद लाइव वायर। लाइव वायर के साथ हम लोग इसलिए कनेक्ट करते क्योंकि जो वोल्टेज है वो लाइव वायर को ही प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। मीन्स के जो टू जो हमारा वोल्टेज है जो हमें सप्लाई किया जा रहा है वो लाइव वायर में से ही पास आउट हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल वायर को जो है वो ज़ीरो वोल्ट प्रोवाइड किया जाता है, उससे वोल्टेज नहीं होता उसमें से। इसलिए अगर आप लोग उसके साथ अटैच करेंगे तो उसमें से तो करंट ही नहीं है, उसमें जब करंट ही नहीं है तो करंट आगे कैसे जाएगा। इसलिए हम लोग फ्यूज़ को जो है वो लाइव वायर के साथ अटैच करते हैं क्योंकि उसमें से करंट जब पास आउट होगा, लाइव वायर में से करंट पास आउट होगा, आगे हम लोगों ने फ्यूज़ लगाया हुआ, फिर फ्यूज़ में से करंट पास आउट होकर और आगे फिर जो वो अप्लाइंस के तक करंट जो है वो जाएगा। और अगर यहाँ पे करंट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, करंट आके पास होने होगा। तो ये तीन पॉइंट्स है कि आप लोगों ने जो वो एक स्पेसिफिक रेंज का जो है वो फ्यूज़ यूज़ किया करते हैं। जिस तरह से अगर आप लोग वॉशिंग मशीन है उसकी रेंज अगर 5 एम्पीयर है तो आप 7 एम्पीयर या 8 एम्पीयर या 10 एम्पीयर का फ्यूज़ जो है वो यूज़ करते, जितना मीन्स करंट पास आउट हो सकता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेंज का आप फ्यूज़ जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो है वो सेफ साइड के तौर पर आप लोग कोई डैमेज ना हो। अगर करंट जो है वो 1 एम्पीयर या 2 एम्पीयर ज़्यादा भी पास आउट हो जाए तो कोई नुकसान ना हो। तो एक रेंज आप लोग यूज़ करते। दूसरा ये कि हमेशा स्विच फ्यूज़ को चेंज करने से पहले मेन स्विच को स्विच ऑफ करते हैं। और लास्ट ये कि फ्यूज़ को हमेशा लाइव वायर के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग सर्किट ब्रेक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।